नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। मैं हूं चिराग मेहता। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को अब गिनती के दिन बाकी है, तब राजनीति गरमाई है। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के सत्ता प्रशासन की ओर से पूर्व क्रिकेटर नयन मोगिया पे डिक्टेटरशिप का आरोप लगाया गया, तब आज साझा पत्रकार परिषद में नयन मोगिया ने उनके आरोपों के सामने अपना जवाब पेश किया। पूर्व क्रिकेटर नयन मोगिया ने बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की अभी की कार्यकारी समिति पे गंभीर आरोप लगाए हैं। आज पत्रकार परिषद बुला के नयन मोगिया ने बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के सत्ता प्रशासन की ओर से उनके साथ किए गए खिलवाड़ के बारे में जानकारी दी थी। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने पूर्व खिलाड़ी नयन मोगिया को अंडर 16 और अंडर 19 के कंसल्टेंट के तौर पे नियुक्त किया था, पर सत्ता प्रशासन के अंदरूनी राजनीति का शिकार नयन मोगिया हुए हैं। ऐसा आरोप आज साझा पत्रकार परिषद में नयन मोगिया ने लगाया था। देखिए, एक वो बिल्टअप होते जाता है। अगर आपको सौंपा गया है, पहले कहा गया था कि आपका ये बेबी है 16-19, आप सब कुछ चलाओगे, फिर इनका इंटरनल पॉलिटिक्स होता है, दो महीने तक मुझे लेटर नहीं दिया जाता, प्रणव अमीन इंटरफियर करते हैं, उसके बाद वो लेटर दिया जाता है कंसल्टेंट का रोल मैंने जो आपको दिया है वो उसमें डिफाइन किया गया था, सारे मैचेस ऑर्गेनाइज करना, किस तरह जूनियर क्रिकेट खिलाना, वो सब कुछ उनको कहा गया था। दो महीने तक मुझे लेटर नहीं मिला, जब तक कोई एक पेरेंट्स यहाँ पर ऑफिस में आया कुछ सामान लेने, उन्होंने बोला कि टूर्नामेंट चालू हो गई, तब मैंने प्रणव अमीन को बोला कि इस तरह की बात है, क्या बात हुई, तो बोले मुझे मालूम नहीं है, आपका मैं पता करके बताता हूँ। प्रणव अमीन फिर मेरे को मैसेज करता है, अमर पेटी वाला से बात करता है, स्नेहल से बात करता है, वो उनका रिजॉल्व करता है जो डिफरेंसेज है दो सेक्रेटरी के बीच में, और फिर वो मुझे एक लेटर दिया जाता है 1 मई को, वो है। और उसके बाद धीरे धीरे करके सारे विंग्स आपके कट कर दिए जाते हैं कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये जब शुरू में कहा गया था कि आपका बेबी आप सब कुछ करोगे, पर धीरे धीरे आपके हाथ पैर काट दिए जाते हैं। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, जितना हो सके मौका मिला है हम जूनियर क्रिकेट को हेल्प करेंगे, पर जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है, जब BCCI की टूर्नामेंट 15-20 दिन है, उसके पहले आपको असिस्टेंट कोच चेंज किया जाता है, जब आपकी फीस आपकी मांगी जाती है 6 महीने बाद, आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जब आप किसी प्लेयर की प्रपोज करते हो एज ए मेंटोर या बताते हो कि इस ये अच्छा है, आप इसे कंसिडर कीजिए, आप इसे मौका दीजिए, लो मत, आप उसको मौका दीजिए, वो रिजेक्ट किया जाता है। तो फिर मैंने बोला अगर किसी बात में उनको सुनना ही नहीं है मेरा, तो उससे बेहतर है कि मैं बाहर निकल जाऊँ, उनको ही चलाना है। वो बोलते कि मैं डिक्टेटर हूँ। मेरे ख्याल से डिक्टेटरशिप उन्होंने मेरे पर लगाई हुई थी, पाबंदी तो उन्होंने मेरे पर लगाई हुई थी कि ये करना है। मेरी कोई भी मांगनी नहीं है, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। आज जैसे प्रणव अमीन जी ने बोला कि मैं कई बार आया कई बार गया, आज भी बुलाएंगे, आज भी जाऊंगा, क्रिकेट के लिए जाऊंगा, बड़ौदा क्रिकेट के लिए जाऊंगा, कभी भी ज़रूरत होगी बड़ौदा क्रिकेट के लिए जाऊंगा, किसी पर्सनल के लिए नहीं जाऊंगा, पर उनको अगर एक्सपर्टीज़ लगती है कि मेरे में वो एक्सपर्टीज़ है, तो वो एक्सपर्टीज़ उनको सुननी पड़ेगी। आप इतने साल से क्रिकेट चला रहे हो, आप 6 साल से हो, 6 साल से क्रिकेट की क्या हालत हुई है वो सभी दुनिया को मालूम है, सभी बड़ौदा वासियों को मालूम है, सभी प्लेयर्स को मालूम है, इसके लिए आपने मुझे बुलाया। अगर वो आपको सही करना है तो आपके कड़वे डिसीजन टफ स्टैंड लेने पड़ेंगे, बहुत सिंपल है, वो उनको सोचना है, वो उनके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।